मैं कृष्णकांत सिंह हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष ने संभाला पदभार, भाजपा की वरिष्ठ व युवा नेता रहे मौजूद। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा माधवगंज पर किया गया धरना प्रदर्शन, कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेता बड़ी संख्या में थे उपस्थित। और माधवगंज से निकली वाहन तिरंगा यात्रा नीमताल गांधी चौक पर हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी द्वारा अपना पदभार ग्रहण किया गया और शपथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। जनपद अध्यक्ष पदभार के समय भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, पूर्व वित्त मंत्री राघवजी सूर्यप्रकाश मीणा सहित पार्टी जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भारत माता की जय। आपको किस तरीके से पंचायतों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विदिशा जिले के लिए पहले से ही काफी बजट दिया है और मामा से भली भांति ग्रामीण क्षेत्र के किसान और सब परिचित हैं और मामा का खजाना जो है खुला हुआ है। सीएम साहब और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं किसान हित में और ग्रामीण हित में है और हम सारे काम जो है उनके अपने जनपद क्षेत्र में जनपद के माध्यम से ग्राम पंचायतों के माध्यम से सभी सदस्यों के माध्यम से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उनके सहयोग से बता सकते हैं। माधवगंज से तिरंगा वाहन रैली प्रारंभ हुई जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नीमताल पहुंची, जहां बड़ी संख्या में शहरवासी तिरंगा वाहन रैली में शामिल हुए। और घर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा, हमारा एक नारा है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए चलिए चलिए, नीचे वाले वालों चलो, नीचे बनाओ। सभी लोग झंडे की आन मान के शांत के लिए अपनी जी जान ताकत जो भी कुछ हम लगा सकते हैं सब लगाए। जय हिंद। संगठन व्यापारिक संगठनों ने इसमें बढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी सहभागिता दी। मैं विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री होने के नाते पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिवार की ओर से आपको हृदय से बहुत 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 धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपके सहयोग के लिए इसलिए और आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि हम हमारे आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना पूरी दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर देश के रूप में हमारा ये भारत देश स्थापित होगा। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। 13 तारीख से 15 तारीख तक झंडा अपने घर पर जरूर फहराएं। यही मेरा हाथ जोड़कर आपसे अध्यक्ष विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रवि तलरिया। आज क्या कार्यक्रम था? आज विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं सभी सामाजिक संगठनों द्वारा तिरंगा वाहन रैली का आयोजन रखा गया था। इसमें सभी मातृशक्तियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मेरी आन और मान शान तिरंगा है, तिरंगे के लिए आज रैली निकाली गई थी। एक मन में सभी के अंदर भाव आ रहा था कि तिरंगा लगाना तो है पर इसके लिए लोगों को मोटिवेशन कैसे किया जाए, तो आज हमारे पूरे ग्रुप ने पूरे शहर के समाज
के लोगों ने निकल कर इस तिरंगा वाहन रैली को सफल बनाने के लिए लोगों के अंदर भाव पैदा कर दिया कि अब हर हर घर तिरंगा और हमारा संकल्प भी है हर दुकान तिरंगा हम लगाने का संकल्प लेते हैं और आगे भी निरंतर 15 तारीख का आज़ादी 75 महोत्सव पर हमसे जो भी बनेगा तिरंगे के लिए हम करेंगे और सबका सहयोग लेकर काम करेंगे। जय हिंद। कुमार सोनी, महामंत्री विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एवं व्यापारिक एवं सभी सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में एक तिरंगा भारत यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा का उद्देश्य हमारे 75वें अमृत महोत्सव को, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को सभी देशवासियों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास से मनाने का है। घर घर तिरंगा, दुकान दुकान तिरंगा, इस उद्देश्य को लेकर आज ये वाहन रैली आयोजित की गई थी। मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों से, संपूर्ण देशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि हम अपने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास से हर घर तिरंगा फहराकर मनाएं और अपने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से। श्री हरि वृद्धाश्रम में सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की याद में कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जहां पर नगर के वरिष्ठ व गणमान्य भी उपस्थित थे और किशोर कुमार के गीतों का गायन भी हुआ। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा रहे ऐसे नहीं दुनिया वाले, सपने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मिटी होंठों पे का दिल में रहती है का, जिनका होंठों से नाता ही टूटा। संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। कल रात को यहाँ पर श्री हरि वृद्धाश्रम में जो कार्यक्रम हुआ था, क्या कार्यक्रम था और किस क्या उद्देश्य था उसका? संगीत साथी ग्रुप विदिशा के द्वारा पार्श्व गायक किशोर कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विदिशा के श्री हरि वृद्धाश्रम में संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्गों ने उनके गीतों का
जमकर आनंद लिया। बुजुर्गों के मनोरंजन उत्साह वर्धन हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा माधवगंज शिव मंदिर के पास देश में बढ़ती महंगाई और खाद्य सामग्री पर GST व बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि की मांग भी कांग्रेसियों ने की। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, विधायक शशांक भार्गव, जिलाध्यक्ष निशंक जैन, कमल सलाहकारी सहित कांग्रेस के बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता शामिल थे और अपने विचार व्यक्त किए। मोदी जी ने भाव करवा दिया आज किसान का 6,000 रुपया सोयाबीन का और तेल का भाव हो गया 170-180। पहले पिलाई के भाव लगते थे 30-35 रुपए किलो और अब पिलाई के भाव लग रहे हैं 100 से ऊपर। ये महंगाई बढ़ाई जनता की नहीं है, ये महंगाई सरकार की बढ़ाई हुई महंगाई है, मोदी जी की बढ़ाई हुई महंगाई है। उनने अपने मित्र अडानी अंबानी को धनवान बनाने के लिए ऐसी मशीन मंगा के तेल पिलाई की लगाई है कि वो सोयाबीन तो पराई जा। पोस्ट ऑफिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शहर में तिरंगा पद यात्रा निकाली गई, हाथ में तिरंगा लेकर निकले। कलेक्ट्रेट के NIC कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर के चारों धर्म गुरुओं व हर घर तिरंगा पर विशेष चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। देगा और उसके साथ में पौधा, तो दोनों नहीं लगाने। लेकिन इसका फोटो और वीडियो हमें जरूर भेज देना। और अभी कॉलेज में हम लोग तो काफी कुछ प्लांटेशन भी किया है और 500 जंगल हमारे पास आ चुके हैं अभी। और मैंने मैडम से बात की थे, 350 और मिल जाएगा हर बच्चों के 1 जंगल। ताकि माला डालकर सभी जगह में जहाँ भी गाड़ी पहुँच जाएगा। अब तो हमें तो जनता के सम्मान करना है, एक जगह से अपन बधाई दे उधर से दूसरे जगह जाए ताकि उधर से लोग जुड़ जाना है, ताकि आखिरी में एक बड़ा जुलूस करेंगे। अच्छा सुझाव, आप विदिशा में तो कर रहे हैं लेकिन जिले में अन्य जगह जहाँ जहाँ भी आपकी संस्था आपके तरफ से मैसेज पहुँचा है, जा रहा है वहाँ अनुरोध कर ही रहे हैं। ज्ञानी जी बैठे पूरा ग्रुप है पूरे सबको समाचार भेजेंगे। प्राथमिक शाला जो स्कूल है प्राथमिक ग्राम क्षेत्र गाँव में 12 की शाम तो उसका क्या हुआ, पूरे हर घर में की जानकारी मिल जाएगी और उनको झंडा लेने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि पंचायत को पहले हमने ये कहा कि पहले बेचे और लास्ट में रहे तो बांटे, नहीं तो क्या होगा। सब जगह से आ रहे हैं। 3 लाख तो आपके परिवार ही हो गए, बाकी सरकारी संस्थान और जैसे स्कूल है वो मिला के करीब 3.5 लाख हुआ। कुछ मार्केट में भी झंडे हैं, तो बच्चे खरीद रहे हैं उसमें लियाकत भाई करके हमारे मित्र हैं, उनका बेटा है, उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, उस बेटे के 51 नंबर आया, ठीक है ना, माँ एक्सपायर हो गई तो ध्यान नहीं दे पाए, अब वो क्या है उसको बाहर कर रहे हैं। सबके सामने इसलिए करना चाहता हूँ
फादर इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि हम लोग क्या है आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी यहाँ मैडम बात नहीं करती। हम आंदोलन करेंगे, मूवमेंट कर देंगे, तो आप क्या कहते हैं कि जो हमारी ईसाई संस्था आपको परेशान कर रहे हैं। एक मुस्लिम परिवार का लड़का, उसके माँ बाप गए ईरा, तो मैं उसको ध्यान दिया मैंने, इसलिए सबके सामने कहिए बहुत सारे जेल संचालक। कल मेरी बात हुई थी तो उसने कहा कि अभी का अधिकृत किसी ने उससे बात, जन अभियान परिषद क्या करेगी, आपने कुछ बताया नहीं। आज की खबरों को देते ही पर ग्राम आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।